अस्सलाम वालेकुम वीरो ते वीनियो की गाल है। उम्मीद है सारे ठीक होवोगे। मैं भी शुक्र अलहमदुलिल्लाह ठीक हाँ। तो मैं वहाँ नालम नाफ ते अज असी बड़ी मज़ेदार दी रेसिपी बना रहे हैं आलू वाला पराठा। तो सब नू बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और बहुत ईजी भी है और जल्दी बनने वाला है। तो आए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास 1 kg आलू हैं, उनको मैंने मैश कर लिया। और इसमें जाएगी ये ग्रीन चिली, अगर आप डालना चाहें दूसरी तरह काट के तो उस तरह डालें, मैंने चॉप की हुई है ठीक है, तो मैं चॉप करके डाल रही हूँ। तो ये है जी 1/2 teaspoon मैंने अभी नमक लिया है, ये आमचूर 1/2 teaspoon है, चाट मसाला 1/2 teaspoon है, जीरा पाउडर, ब्लैक पेपर 1/2 teaspoon है, धनिया पाउडर, गरम मसाला और ये चिली फ्लेक्स, दड़ा मिर्च ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाकी अगर आप तेज मसाले खाना चाहते हैं तो आप तेज डाल लें, जिस तरह आपको पसंद है ठीक है। और इसमें प्याज भी डालना चाहे तो आप वो भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास ये आमचूर पाउडर नहीं है तो इसकी जगह आप लेमन थोड़ा सा निचोड़ लें ठीक है। और ये है थोड़ा सा धनिया, इससे अच्छा लुक आता है इसका आलूओं का। अच्छा अब मैं इसको करती हूँ मिक्स पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। ये तो हर घर में बहुत पसंद की जाती है और सबका अपना अपना तरीका है कि किस तरह कोई पसंद करता है बनाने के लिए। अच्छा इसमें अजवाइन भी जाती है लेकिन मैं अजवाइन नहीं डालती क्योंकि अजवाइन जो है ना वो थोड़ी सी या मेरे घर में सूट नहीं करती, उसको मैं ऐड नहीं कर रही। अगर आप इसके साथ अजवाइन डालना चाहें तो आप वो भी डाल सकते हैं ठीक है। अच्छा जी माशाल्लाह से रेडी हो चुका है सारा मिक्सचर आलूओं का, तो अब हम रखते हैं इसको इधर और करते हैं शुरू पराठा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Let's put flour. Add on. अच्छा आप इसको ना पहले अगर वलों वाला पराठा लच्छेदार पराठा बनाना चाहते हैं तो आप पहले इसकी रोटी बना के इसको इकट्ठा करके तो इसकी दोबारा रोटी बना और इसमें आलू भरें ठीक है। वो भी लच्छेदार बड़ा मजे का बनता है लेकिन मैं अभी सिंपल बिल्कुल सिंपल सा बनाने लगी हूँ। अच्छा अब कर लेते हैं चूल्हा। ये देखे मैंने तेज आंच नहीं रखी, मैंने बिल्कुल लो रखी है। आप इसकी रोटियां बना लें थोड़ी सी और साथ इसी तरह रखते जाएं उसमें और ये बहुत इजी हो जाता है फिर इस तरह ठीक है। अच्छा जी अब मैं इसमें डाल रही हूँ आलू। आलूओं को किनारे तक लाना है ठीक है। अगर आप ज़्यादा मटेरियल डालना चाहते हैं तो ज़्यादा डाल लें, कम डालना चाहते हैं तो कम डाल लें, ये आपकी अपनी चॉइस है ठीक है। इसमें काला नमक भी अगर डालें तो तब भी बहुत मज़े का बनता है। इस टाइम मेरे पास काला नमक अवेलेबल नहीं है तो इसलिए मैंने वो नहीं ऐड किया। तो अच्छा जी अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालने लगी हूँ ठीक है, बिल्कुल हल्का सा, और रख लेते हैं ऊपर ये दूसरी रोटी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले अच्छे से इसको फिक्स कर लेते हैं ताकि आलू जो है ना वो बाहर बिल्कुल ना आए ठीक है। और साथ में ऊपर से इस तरह प्रेस कर लें ताकि इसमें एयर ना रहे ठीक है।
हल्का सा एक साइड ये इतना सा किनारा रख लें और इसके ऊपर अब प्रेस कर देते हैं। ठीक है, देखिए माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त बनेंगे ये, सारे किनारों तक ना आलू जो है ना वो आ चुके हैं। ठीक है, तो अब हम इस पे डालेंगे तवे पे ऑयल थोड़ा सा एकदम, हाँ बस बस बेल लेते हैं हल्का हल्का। ठीक है, ये देखेंगे माशाल्लाह से। अच्छा, ये भी आपकी चॉइस है कि आप बड़ी रोटी रखना चाहते हैं या छोटी, जिस तरह भी आप रखना चाहते हैं। ठीक है, बिस्मिल्लाह। ये देखो माशाल्लाह से कितना गोल सा पराठा बन गया हमारा, बिल्कुल राउंड राउंड हो गया। इसको थोड़ी देर पकने देते हैं इस तरह, फिर इसकी साइड चेंज करते हैं। अच्छा जी, अब हम इसकी कर देते हैं साइड चेंज, इसके ऊपर डालते हैं थोड़ा सा ऑयल। अब हम इसको करते हैं चेंज, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, ये है पराठा। अभी हमने लच्छेदार तो नहीं बनाया, बिल्कुल सिंपल सा है लेकिन बहुत मज़े का और क्रंची बनेगा। इसके ऊपर मैंने हल्का सा ऑयल लगाया, जैसे मैं पराठा बनाती हूँ ना इसमें ऑयल बहुत कम लगता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। That is a real paratha. अच्छा जी, ये देखिए माशाल्लाह से दोनों साइडों से इतना जबरदस्त बन गया है। अब इसी ऑयल पे मैं अपना दूसरा पराठा डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे ऑयल डालने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मुझे हल्का सा ऑयल लगाना होता है और इससे पराठा जो है ना काफी क्रंची सा बन जाता है। ठीक है, ये देखिए हमारा मजेदार आलू वाला पराठा बिल्कुल रेडी है, बहुत मजे का बना है। मैं ट्राई भी करती हूँ, है तो बहुत गर्म गर्म। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए फुल किनारों तक ये आलू है। ठीक है, अब मैं इसको करती हूँ फ्राई। योगर्ट के साथ खाना चाहे तो योगर्ट के साथ, वैसे खाना चाहे तो वैसे भी आप ले सकते हैं, तो ये सब आपके लिए। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें, खुद भी खाएं, दूसरों को भी खाएं, सबके साथ शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। और जाते जाते हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।